इंदौर शहर के पूरी तरह अनलॉक होने के बाद भी शहर के शरारती तत्वों को चुनिंदा चैनलों और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई कि शहर में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिससे परेशान जनता और व्यापारी के बीच असमंजस पैदा हो रहा था, जिसे लेकर आज कलेक्टर मनीष सिंह ने अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अभी कोई इस तरह की सूचना नहीं आई है और ना ही इंदौर प्रशासन ने इस तरह का कोई निर्णय लिया है। आगे कहा कि अगर शहर में व्यापारी संगठन ने अगर किसी तरह का लॉकडाउन को लेकर निर्णय लिया हो तो अभी उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और शहर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन के लिए जनता और व्यापारियों को गंभीरता देखने की भी बात कही गई और शहर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन के लिए जनता और व्यापारियों को गंभीरता दिखने की भी बात कही गई। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर व दीपक सिंह की रिपोर्ट। बाजार काफी चैनलों के स्ट्रीम बनाकर उसे चलाया जा रहा है, तो इस अफवाह पर एग्जैक्टली क्या है, आप थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दें। जी, मेरे देखने तो नहीं आया कि सुबह से मैं अभी VC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था, ऐसा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या केंद्र सरकार के डायरेक्शंस में ऐसा कोई बात नहीं है। अभी अगर ये कोई कर रहा है, अगर हो सकता है बाजार एसोसिएशन स्वयं स्वेच्छा से कोई ऐसा निर्णय ले रहे हों या उनके एसोसिएशन में कोई किसी भी निर्णय लिया हो, पर जनरलाइज प्रशासन शासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आदेश नहीं है अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।